प्रेम की परिभाषा बहुत गहन है। प्रेम की परिभाषा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह प्रेम शब्दों का विषय नहीं, यह प्रेम अनुभूति का विषय है। अरे, जगत में एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है तो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तो जो भगवान के लिए प्रेम करता है वो सारे सुख सुविधा और ऐश्वर्य का त्याग करके उस प्रियतम के साथ एकाकार होकर उस प्रियतम के स्वभाव और स्वरूप को प्राप्त कर ले, उसमें क्या बड़ी बात है। और इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे साधु लोग जिन्होंने मोह माया का त्याग कर दिया, अहंता और ममता से ऊपर उठ गए, अरे मैं उन्हीं के भीतर बस जाता हूं, वो मेरा रूप हो जाते हैं और मैं उनका रूप हो जाता हूं, फिर मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं रहता। ये प्रेम ही तो है जो भक्त को भगवान से एक कर देता है। अरे जो भक्त को भगवान तक पहुंचा देता है, अरे जो भक्त को भगवान का रूप बना देता है, ये प्रेम का जादू है। एक कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते वो भ्रमर रूप हो जाता है, जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म रूप हो सकता है। इसलिए प्रेम बहुत विलक्षण है। प्रेम ही इस दुनिया में राज करता है। पूरे ब्रह्मांड में हमने प्रेम का प्रभुत्व देखा है। तो जहां प्रेम नहीं वहां तो कुछ भी नहीं है, जहां प्रेम नहीं वहां तो तनाव है, वहां तो शुष्कता है, वहां तो नीरसता है, वहां तो खालीपन है, वहां तो कुटिलता है, वहां तो क्लिष्टता है, वहां तो सिर्फ मशीन बनकर रह जाते हैं। मशीन को किसी से प्रेम नहीं। एक रॉबर्ट को प्रेम क्या होता है समझाना असंभव है, क्योंकि मशीन बैटरी से चलता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एसी पावर चाहिए, नहीं तो डीसी चाहिए, उसमें हृदय नहीं है, उसमें संवेदना नहीं है। क्या आज का मानव भी रॉबर्ट जैसा नहीं हो रहा? उसको किसी से प्रेम नहीं है, पड़ोसी को पड़ोसी से प्रेम नहीं है, भाई को भाई से प्रेम नहीं है, बहन को भाई से प्रेम नहीं है, भाई को बहन से प्रेम नहीं है। क्या ये प्रेम की बेल सूख गई? क्या हम लोग चलते फिरते मशीन हो गए? हृदय धड़क रहा है, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, पांव चल रहे हैं, भूख लगी तो खा लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद आई तो हम सो गए, बस। क्या यही जीवन है? रसहीन, नीरस, शुष्क, एक मशीन सा? जीवन नहीं हो सकता, ये तो एक मशीन हो। प्रेम, उसकी अनुभूति करो। एक सूखे बांस के टुकड़े से एक पोले बांस के टुकड़े से कृष्ण ने प्रेम किया
और उसे अपनी होठों पर लगाया और मधुर संगीत छिड़ गया। खुद का कोई स्वर नहीं है, खाली है, जिसमें कोई ईगो नहीं है, पोलम पोल है। बाहर से सिर्फ एक गोल आकार भर बचा है, भीतर से पूर्ण शून्य है, पूरा खाली है। वही खालीपन कृष्ण को भाया। बांस का सूखा टुकड़ा और वो भी पोलम पोला, उसको कृष्ण ने अपने होठों पर लगाया और छिड़ गया मधुर संगीत। काश हम भी बांसुरी से हो पाते, हम भी भीतर अहंकार शून्य हो पाते, ममत्व शून्य हो पाते, अपनी इच्छाएं, अपनी तृष्णाएं, अपनी हठधर्मिता इसको निकाल पाते, तो शायद हम भी कृष्ण के होठों तक न सही, उनके पांवों तक पहुंचने का तो जरूर सौभाग्य पा लेते, अगर ऐसा खालीपन हो जाता। धन्य है वो बांसुरी जिसने कृष्ण के होठों को छुआ और कृष्ण के श्वास से, कृष्ण के प्राण से और कृष्ण के फूंक से वो बांसुरी बज रही है। वो बांसुरी नहीं है, वो कृष्ण का प्राण है। वो कृष्ण के श्वास ने स्वर का रूप ले लिया है। एक प्रेम है और कृष्ण का प्राण, कृष्ण की सांस स्वर बनकर हवा में गूंज रही है, वातावरण में घूम रही है और इन्हीं गोपियों के कानों तक वो टकराई है, इन्हीं ग्वाल बालों तक और इन्हीं बछड़ों तक और इन्हीं गायों के कानों तक जब वो बांसुरी की ध्वनि पड़ी है, गायों के और बछड़ों के कान खड़े हो गए और गोपियां जैसी दशा में थी उसी दशा में भाग पड़ी। उन्होंने ये न सोचा कि हमने जूते पहने कि न पहने, घर का काम बाकी है कि पूरा हुआ, हमारा पति क्या कहेगा, हमारे बच्चे क्या कहेंगे, भाई क्या कहेगा, सास क्या कहेगी और ससुर क्या कहेगा। बिना सोचे बिना समझे प्रेम से खिंची चली गई और कृष्ण की रूप माधुरी में, उनकी मधुर चितवन में कहां दिन हुआ, कहां शाम हुई, कब सुबह हुई, कब रात हुई, वो भूल गए। उनका जीवन संपूर्ण कृष्णमय हो गया, कृष्ण की कल्पनाओं में जीने लगी। वृक्ष की टहनी को देखती है तो कृष्ण की टांगे टेढ़ी याद आती है, भंवरों को देखती है तो कहती है कि भंवरे तुम इस फूलों के पीछे मुग्ध हो, तुम्हें पता नहीं है कि कृष्ण का रूप क्या है, इसलिए तुम्हें इन फूलों का रूप अच्छा लगता है। जब जंगल के हिरणों को देखती है तो उन्हें लगता है कि जैसे हम बांवरी हो गई, हम जैसे पागल बन गई, ये शायद हिरण हिरनियां भी कृष्ण के लिए ही पागल और उन्मत्त दिखाई देते हैं। वो किसी पक्षी का संगीत सुनती हैं, कलरव सुनती हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद ये पक्षी भी कृष्ण की स्मृति में बोल रहे हैं,
ये शायद उन्हें ढूंढ रहे हैं, ये शायद उन्हें पुकार रहे हैं। प्रेम की अनुभूति बहुत दिव्य है, प्रेम का रस बहुत अद्भुत।